तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे नजारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको पता लग ही गया होगा। अब तक मैं इसलिए इतने खुश हूँ क्योंकि ये दिवाली वीकेंड में आई है। जब भी मैं इंडिया में थी और जब दिवाली छुट्टी वाले दिन होती थी तो बहुत अफसोस होता था कि एक छुट्टी चली गई, लेकिन कनाडा में दिवाली वीकेंड पर ही है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जो थी वो दिवाली वीकडे में थी और वो बिल्कुल एक रूटीन की तरह था। कहीं पर कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, सब अपने काम पर गए थे और मैंने लास्ट दिवाली पर बाबा जी से यही प्रे किया था कि प्लीज़ अगली दिवाली में ये वीकडे में ना हो, और बाबा जी ने मेरी प्रेयर सुन ली और आज वीकेंड पर दिवाली है। डेफिनेटली दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस करती हूँ और मैं यही चाहूँगी कि दिवाली पे सब लोग अपनी फैमिली के साथ ये फेस्टिवल इंजॉय करें। तो हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, बट आई एम हैप्पी कि सबने अपने अपने जगह पे दिवाली सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज कनाडा में दिवाली हालांकि इतनी सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब हम अपनी दिन की शुरुआत करेंगे एंड देन हम जाएंगे दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छा सा और मेमोरेबल फेस्टिवल बनाना है। डेफिनेटली वो जो इंडिया वाली फीलिंग है वो बहुत मिस कर रही हूँ, रंगोली, दिए लेने जाना, बाजार की सजावट, वो सब कुछ, और स्पेशली पटाखे और ढोले, वो यहाँ पर नहीं है। बट अगेन जहाँ पे है गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम वाली स्टोरी बनानी पड़ेगी और हमें अब कनाडा की तरह दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। और मैं अपने ऑफिस में भी सबको बोलती है कि दिवाली, हाँ उन्हें पता है कि दिवाली क्या होती है, तो मैंने समझा रही थी हम क्यों दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और मैंने एंड में उन्हें यही बोला, जैसे आप लोगों का क्रिसमस है वैसे हम लोगों के लिए दिवाली है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और आज के दिन पर हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज दिवाली है तो ब्रेकफास्ट भी स्पेशल होना चाहिए, तो आज हम एक अलग ही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं चीज़ के परांठे। ये पनीर नहीं है, ये अपना देसी पनीर नहीं है, ये यहाँ का पनीर है, ये मोज़रेला चीज़ है। पता नहीं क्या होने वाला है, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा बनने वाला है। नाश्ते के बाद अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया और मेरे को दाल बनानी है और सब्जी बनानी है। अभी तक दिवाली वाली कोई फीलिंग नहीं आई है, बट हाँ और मेरे घर पे कपड़ों का बहुत ज़्यादा खलेरा बना हुआ है क्योंकि अब यहाँ पे विंटर्स शुरू हो गई है, तो समर के कपड़े सब रख के विंटर्स के निकालने हैं, तो वो सेट करने के बाद दिवाली की शॉपिंग की जाएगी और दिवाली वाली फीलिंग लेके आई जाएगी। जूतों की सेटिंग कर दी है और लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैंने इतना ज़्यादा क्लेयर डाल दिया, वो भी दिवाली वाले दिन, तो सारे टैची अब बाहर हो गया, तो उनके अकॉर्डिंगली अब तरीके से कपड़े रखे जाएंगे हर एक टैची में। और जब ये दिवाली हो और आप अपने घर की, अब वैसे ही आपको अपने घर वालों की याद हो और आपको वो चीज़ें मिले जो आपके घर वालों ने भेजी है, ओह आई मिस माई फैमिली सो मच। ये स्वेटर और मफलर मेरी मम्मा और मेरी दादी माँ ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है विंटर्स के लिए। वैसे ही आज दिवाली है और ऊपर से ये आ गया, सो इट्स लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करने, मैंने इतना ज्यादा कलेरा डाल दिया, प्लीज कोई मेरी आगे मदद करो। मुझे भी आज तक नहीं पता था कि मेरे घर में इतनी ज्यादा टोपियां पड़ी हुई हैं। Let's go rock
तीन से चार घंटे के बाद मुझे रियलाइज हो गया ये अपने बस की बात नहीं है, अपने हाथ खड़े हैं ना हो पाएगा, गलत दिन पे गलत चीज की शुरुआत कर दी गई है। बट अब जैसे भी है सब कुछ, स्टार्टिंग में सब कुछ था कि बहुत अच्छे से सेट करना, बट अब जो जहाँ पे जिसकी जगह मिली सबको साथ दिया गया है और अब इतनी हालत बुरी हो गई है कि अब बस खाना खा के निकलना है और दिवाली की सेलिब्रेशन शुरू करनी है। आई एम सुपर एक्साइटेड अब दिवाली की शॉपिंग के लिए और मैं बहुत, आज मेरे को कोई भी मिलने वाला है एलिवेटर में, कहीं भी मैं सबको दिवाली विश करने वाली हूँ और क्योंकि इसको नहीं पता मैं सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि दिवाली क्या है, हमारे लिए क्या है, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं इंडियन स्टोर नंबर वन। वाई नंबर वन? क्योंकि आज एक इंडियन स्टोर पे नहीं, बहुत सारे इंडियन स्टोर पे जाया जाएगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए और मुझे वो एक इंडियन स्टोर पे नहीं मिलेगी और मेरे साथ साथ मैं आज आपको भी इंडियन स्टोर के दर्शन करवाने वाली हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मुझे याद है जब मैं लास्ट दिवाली अपने पापा के साथ दिए लेने गई थी तो दिए थे 10 रुपये के 12 और यहाँ भी मुझे दिए मिले हैं 4 दिए $5 के, यानी 250 रुपये में। पर ठीक है, साल में एक बार त्यौहार आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिए हैं, यहाँ पे पटाखे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। It's on visa, please. Thank you so much. Happy Diwali. मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मैं ब्रांडन में आ चुका हूँ शॉप नंबर 2 में। यहाँ पे बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि मैं कनाडा में, ऐसा लग रहा है मैं अपने पंजाब में ही हूँ। शॉप नंबर 3 में जाया जाएगा क्योंकि वहाँ की मिठाई कुछ खास नहीं लगी मेरे को, अच्छी थी बट मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ की बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ होगी तो वो आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ग्लव्स पहन के ही वो देंगे। तो मैंने टेस्ट किया, बेसन टेस्ट किया, बट ठीक है अब शॉप नंबर 3 में जाया जाएगा। शॉप नंबर 3 में आ और यहाँ पर गुरबल गुरबल हुई हुई है, कि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पे बहुत हवा चल रही है और यहाँ पे हल्के हल्के बारिश भी पड़ रही है। बट चलो अब अपनी हमने मिठाई लेनी और शॉप नंबर 3 में चलते हैं। हाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
इतनी कुर्बल कुर्बल थी कि लाइन में लगना पड़ा और स्वीट्स लेनी पड़ी, बट फाइनली शॉप नंबर 3 से स्वीट्स मिल गई है. आई एम सो हैप्पी. और यहाँ भी जैसे कि मैंने बताया कि लाइन में लगना पड़ा, ये ग्लव भी अगर आपको दिख रहा है, ये ग्लव हाथ में डाल के मिठाई डालनी पड़ी थी. और मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इतना पता था कि 1 pound का डब्बा है, तो मैंने पूरा भर लिया ये सोच के ये तो 1 pound का डब्बा है. और वो बोलते आपने 1 pound के डब्बे में 2 pound मिठाई डाली. That was so embarrassing. और यहाँ फाइनली मुझे मिठाई मिल गई है. अब हम जा रहे हैं शॉप नंबर 4 में बाकी का सामान लेने. और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब बसेस में, हर बस में यहाँ पे हैप्पी दिवाली लिखा मिलेगा. और मैं आपको दिखाती हूँ कि बसेस में यहाँ पे हैप्पी दिवाली कैसे लिखा जाता है. शॉप नंबर 4 में जाने की बजाय हम घर पे ही आ गए हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे. अभी हमें कैंडल्स भी जगानी है, पूजा भी करनी है, उसके बाद मंदिर भी जाना है और बहुत कुछ करना है. तो ये दिन इतनी जल्दी कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा, लेकिन अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं. पूजा का टाइम आया तो मुझे एक चीज़ याद आई. जो मेरे फादर है वो बहुत मैं बोलूँगी कि बहुत विधि पूर्वक सब कुछ करते हैं. हर चीज़ होनी चाहिए और मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो पूजा करते हैं. और जो मेरे दादाजी थे वो बहुत सीधे साधे थे, बहुत शरीफ इंसान. वो ऐसे आते थे, हाथ जोड़ते थे और वो पूजा करते थे. और जब भी होता तो मेरे पापा बोलते थे ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो बोलते थे हमारे सिद्धाता गणेश है, हमें नहीं पता कि कैसे करना है. आज मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही है, मुझे नहीं पता कि कैसे करनी चाहिए, प्रॉपर विधि क्या है. आज सिद्धाता गणेश होने वाले हैं, बस हाथ जोड़ के पूजा करने वाली हूँ कि हाँ दिवाली है, पेरेंट्स से दूर है, पूरी पूजा विधि नहीं होती, लेकिन दिल से यही कहेंगे कि ये दिवाली सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए. तो एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस दिया की तरह आप हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही आपकी लाइफ में रोशनी आती रहे, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और आप हर साल दिवाली अपनों के साथ सेलिब्रेट करें. तो मेरी तरफ से तहे दिल से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली. Stay healthy and keep spreading happiness. Happy Diwali!